नमस्कार, मी अनंत कौशाले। तर आजच्या लेक्चर मध्ये सर आपण हे काही क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहोत। व्हॉट इज अ मायकोलॉज, एस आर आर आर, प्लाझ्मोगॅमी, कॅरिओगॅमी, सायटोकायनेसिस अँड कॅरिओकायनेसिस, संपूर्ण क्वेश्चन हे बायोलॉजी या ब्रांच मधले आहे। तर हे क्वेश्चन सर आपण आजच्या लेक्चर मध्ये सॉल्व्ह करणार आहोत। तर सर्वात पहिल्यांदा सर आपल्याला असा क्वेश्चन किंवा प्रश्न असा विचारला की व्हॉट इज अ मायकोलॉजी सर, व्हॉट इज अ मायकोलॉजीचा मतलब क्या होत आहे, याचा अर्थ काय असतो, डेफिनेशन काय असते आणि व्हॉट इज अ मायकोलॉजी म्हणजे काय सर, आज आपण संपूर्ण या लेक्चर मध्ये शिकणार आहोत। क्लिअर ना? क्लिअर सर, ओके। तो मायकोलॉजी का मतलब होता है बॉजी फंजाई की स्टडी, क्या सर जी, स्टडी ऑफ फंजाई। क्लियर ना? क्लियर सर। डॉक्टर पी ए माइत्से इज द फादर ऑफ माइकोलॉजी, बात समझ में आ गई? आ गए सर। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्लियर ना? क्लियर सर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माइकोलॉजी की डेफिनेशन। व्हाट इज माइकोलॉजी, माइकोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ फंजाई, डिस्कवर फंजाई इज अ, किसने किया था फंजाई को डिस्कवर, फंजाई को डिस्कवर किया था डॉक्टर आर एच विटाकर ने, 1969 में किया था। क्लियर ना? क्लियर सर। तो यहाँ पे लिखे माइकोलॉजी सर, व्हाट इज माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी का मतलब होता है इट इज अ ब्रांच, इट इज अ ब्रांच। क्लियर ना? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ओके जी वाई, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील स्टडी विथ फंजाई, दे कॉल्ड एज माइकोलॉजी, यस और नो, इसको जो हम बोलते हैं माइकोलॉजी, यस और नो, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। क्लियर ना? क्लियर सर। इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इज अ बायोलॉजी, ओके, डील स्टडी विथ फंजाई इज माइकोलॉजी। क्लियर ना? समझ में आ गया इतना? आ गया, चलो ठप। पहला क्वेश्चन, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ओके, बायोलॉजी डील स्टडी विथ फंजाई माइकोलॉजी। क्लियर? ओके, छप गया दिमाग में? ओके, व्हाट इज आर ई आर, आर ई आर का मतलब क्या होता है, इज आर ई आर, आर ई आर इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर जी, कौन सा सर जी, इज अ रफ, इज अ रफ, ओके, और नो, रफ एंड टफ का मतलब मालूम है, मालूम है सर जी, मालूम है, रफ इंडो, रफ इंडो, यस और नो, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर ना? रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर ना जी? रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम इज आर ई आर। फिर लिखिए यहाँ पे थर्ड का सर, यहाँ पे ये चीज नहीं, ओके, का सर चलाओ, यस ई आर, यस ई आर, इसका मतलब है स्मूथ, इसका मतलब है स्मूथ, स्मूथ इंडो, स्मूथ इंडो प्लाज्मिक का सर जी रेटिकुलम। अरे हाँ या ना, क्या सर जी, क्या पता चला यहाँ पे आपको? हम सबसे पहले यहाँ पे लिखा इट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील स्टडी द फंजाई, दे कॉल्ड द माइक्रोलॉजी, समझ में आ गया सर, आर ई आर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर ना? क्लियर सर। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एस ई आर। क्लियर? ओके, इसके देखिए हम फंक्शन, ओके, क्लियर, छपले दिमाग में इतना? क्लियर? ओके, चलो मिटा दो, मिटा दो। अब यहाँ पे आर ई आर और एस ई आर क्या हो पे फंक्शन का वर्क क्या है, मेन वर्क ऑफ आर ई आर एंड एस ई आर। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए हम एस ई आर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर ना? क्लियर सर। इज एब्सेंट, ओके, एब्सेंट ऑफ का सर जी राइबोसोम, का सर जी एब्सेंट ऑफ राइबोसोम, या एस टी आर मध्ये
रायबोसोम ऍबसेंट असतं, रायबोसोम हे प्रेझेंट नसतं. क्लिअर ना? इज एस ई आर स्मूथ म्हणजे सर यामध्ये कोणतंच रायबोसोम प्रेझेंट नाही, इज ऍबसेंट ऑफ रायबोसोम. क्लिअर ना? काय कर सर, हे करतं बा सिंथेसिस ऑफ लिपिड. क्लिअर ना? सिंथेसिस 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 काय, सिंथेसिस ऑफ काय सर, सर जी लिपिडच सिंथेसिस करत, लिपिड. क्लिअर ना? शुगर ऑल्सो कॉल्ड सोबत शुगर. क्लिअर ना? क्लिअर सर. लिपिड का म्हटलं काय, एक प्रकारचे शुगर. क्लिअर ना? बात समज में आती सर जी, आती शुगर. ओके, बाग माल समझ में आती बात, आती सर जी. एबसेंस ऑफ राइबोसोम, सिंथेसिस ऑफ लिपिड और शुगर. क्लियर ना? दे कॉल्ड एज अ फंक्शन ऑफ वर्क ऑफ एस ई आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. समझ में आया? इतना आ गया? अच्छा पो दिमाग, चलो इतना. क्लियर? ओके क्लियर. चलो अगला लिखे हम आर ई आर, द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसमें क्या होता है? इसमें जी बबुआ जी हमारा, इसमें हमारा राइबोसोम होता है प्रेजेंट, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा. क्लियर ना? क्लियर सर. इज काय सर, दिलेबा प्रेजेंट ले, प्रेजेंट. ओके प्रेजेंट. क्लियर ना? प्रेजेंट ऑफ काय सर जी, काय राइबोसोम प्रेजेंट ऑफ सर, काय राइबोसोम. ओके प्रेजेंट ऑफ काय सर, लेकिन यहाँ पे राइबोसोम यहाँ पे इसमें होता है हमारा प्रेजेंट. ओके प्रेजेंट ऑफ राइबोसोम. क्लियर है ना? क्लियर सर. द वर्क ऑफ इसका क्या होता है, द वर्क, द लिया द वर्क ऑफ काय सर जी, इज द प्रोटीन और नो प्रोटीन का सर, सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस और नो वर्क ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. क्लियर ना? द वर्क ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आर ई आर, इसमें हमारा राइबोसोम होता है प्रेजेंट. क्लियर ना? समझ में आती बात? आर आर प्रेजेंट ऑफ राइबोसोम, द वर्क ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. क्लियर? छपले दिमाग में? ओके, द वर्क ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ राइबोसोम. क्लियर? ओके चलो. समझ में आ गया इतना? ओके चलो. क्लियर? ओके ओके, इतना समझ में घुस गया दिमाग में इतना? ओके जी. ओके क्लियर? ओके. अब हमारा प्लाज्मोगैमी सर जी. क्या सर जी? प्लाज्मोगैमी इज अ प्लाज्मो, इज अ गाइस सर जी, प्लाज्मो. प्लाज्मोगैमी का मतलब बुआ जी फ्यूजन, इधर फ्यूजन, फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ का सर जी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इज अ प्रोटो, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दे कॉल्ड एज अ प्लाज्मोगैमी. क्लियर ना? प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है? प्लाज्मोगैमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दे कॉल्ड द प्लाज्मोगैमी. क्लियर ना? क्लियर सर. चौथा सर जी कैरियोगैमी. कैरियो का मतलब क्या होता है? कैरियो का मतलब न्यूक्लियस सर जी, देखिए नीचे. ओके कैरियो, कैरियो का सर जी कैरियोगैमी. कैरियोगैमी का मतलब क्या है? इसका मतलब है फ्यूजन, फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ टू, फ्यूजन ऑफ टू डॉटर और नो डॉटर कैसर जी, कैसर जी टू डॉटर न्यूक्लियस है सर जी, काय न्यूक्लियस टू डॉटर और नो डॉटर न्यूक्लियस. ओके फ्यूजन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियस, देखो कैरियोगैमी. कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस. क्या सर जी? इज अ न्यूक्लियस और नो. कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, गैमी का मतलब फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई. क्लियर ना? दे कॉल्ड एज कैरियोगैमी. और प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. छप गया दिमाग में? ओके नहीं छपा तो छाप छाप लो. न्यूक्लियस का डिविजन क्या बोलते? न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के फ्यूजन क्या बोलते? न्यूक्लियस के फ्यूजन तो बोलते बुआजी कैरियोगैमी.
और प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मो का मतलब क्या सर जी? प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन का मतलब गैमी। क्लियर है ना? क्लियर है, चलो छाप लो इतना क्लियर। ओके बारिश का मौसम है। ओके ठीक तो यहाँ पे हमको आखिरी क्या पूछो? साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज साइटो का मतलब क्या होता है सर जी? यहाँ पे लिखेंगे हम साइटो। ओके साइटो का है सर जी, साइटो, साइटो का है सर, साइटोकाइनेसिस। ओके एस और नो? यस सर, साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब है सेल। क्लियर है ना? क्लियर। साइटो का मतलब क्या है? साइटो का मतलब है सेल। साइटोलॉजी, आप पुनः साइटोलॉजी, साइकोलॉजी ना सर जी। ओके साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ सेल। देखो ना साइटोलॉजी, क्लियर है ना? साइटो काइनेसिस का मतलब है सेल। क्लियर है ना? यहाँ पे हम लिखेंगे डिवीजन, डिवीजन। ओके डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ सेल, क्या लिखिए आप? डिवीजन ऑफ सेल ऑफ का सर साइटोप्लाज्म। यस और नो? साइटो। ओके साइटो सर, का सर साइटोप्लाज्म का डिवीजन क्या हो रहा है सर? साइटोप्लाज्म का डिवीजन को बोलते हैं वो साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ सेल। और का सर जी? और साइटोप्लाज्म। यस और नो? साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? सेल का एक प्रकार का कवक। ओके यस और नो? यस सर। उसका डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या सर जी? साइटोप्लाज्म इज डिवीजन, डिवीजन ऑफ सेल और साइटोप्लाज्म। दे कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। समझ में आ गया? आ गया समझ में? ओके चलो सिक्स सर यहाँ पे लिखेंगे हम क्या सर? कैरियोकाइनेसिस। कैरियो, कैरियो क्या? कैरियो का मतलब यार हमने लिखा था सर जी, क्या लिखा था? न्यूक्लियस लिखा था। क्लियर है ना? क्लियर सर। इज का सर जी? कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस। क्या सर जी? इसका मतलब है यह न्यूक्लियस। क्लियर। कैरियो कहने से डिवीजन निकला, डिवीजन, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है ना? ओ गलत हो गया था, हमने लिखा। ओके डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ओके सो और नो? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज और नो? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। इस लेक्चर में बुआ जी इतना ही हम पढ़ लिया, इतना हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ लिया माइकोलॉजी, फिर हमने आर या रिसर पढ़ा, फिर प्लाज्मा गए, फिर कैरियो गए, फिर साइटोकाइनेसिस और फिर कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है जी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस यहाँ पे हम लोग करेंगे डिवीजन। दे कॉल्ड एज अ कैरियोकाइनेसिस। क्लियर है ना? क्लियर सर। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।